कम्युनिटी सेंटर की जगह थाना सिटी साउथ तब्दील किए जाने पर मोहल्ला वासियों ने जताया रोष। मोहल्ला वासियों ने कहा नहीं बनने देंगे यहाँ थाना। थाना सिटी साउथ मूवी की बिल्डिंग की हालत देखते हुए डिप्टी कमिश्नर मोगा की तरफ से एक कम्युनिटी सेंटर में थाना सिटी साउथ मोगा तब्दील करने के निर्देश जारी किए, जिस कारण मोहल्ला वासियों में रोष जताया जा रहा है। मोहल्ला वासियों का कहना है कि यहाँ थाना सिटी नहीं बनने देंगे क्योंकि इस कम्युनिटी सेंटर में गरीब लोग मुफ्त में अपने प्रोग्राम करवा लेते हैं। वहीं बाढ़ के एमसी गुरविंदर बबलू का कहना है कि डीसी साहब द्वारा कोई भी लेटर नगर निगम में नहीं आया और ना ही नगर निगम में इसका मता पास हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार सरेआम लोगों से धक्का कर रही है। वहीं मोगा के डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बताया कि उनके ध्यान में आया था कि यह कम्युनिटी सेंटर का प्रयोग बहुत कम हो रहा है, जिसके चलते थाना सिटी साउथ को वहां पर अस्थाई तौर पर तब्दील किया जा सकता है। है बड़ी मंदभागी घटना हैगी है कि यह जिथे जगह ते खड़े हैं ये जिहड़ी जगह हैगी है एक कम्युनिटी सेंटर है। इस कम्युनिटी सेंटर नू बग्याना बस्ती, बाजीगर बस्ती, हाकम का गवाड़, न्यू गीता कलोनी, राजीव गांधी नगर, बेरिया वाला महला, जिन्हें भी लोग ने इत्थे गरीब शादी जिहड़े सोकमय समागम, खुशी दे समागम, जन्मदिन वगैरह इस ते कम्युनिटी सेंटर नू वरतदे ने। पर बड़ी मंदभागी घटना है कि कुछ जिहड़े मौके की जो सरकार के नुमाइंदे बैठे ने उन्होंने साड़ी डिवेलपमेंट जी की रास नहीं आ रही। जे थाना इन्होंने आस्ते सानू कारपोरेशन जगह लिख के दिती, सारे हाउस ने बुकन वाला रोड से एक किला जगह जिथे ट्रीटमेंट प्लांट है वो सामने एक जरा किला है उत्थे थाना बनाने जगह पास करती। पर मैनू नहीं पता कि मौके की हकूमत के दिमाग च की है, जिहड़ियां चंगियां चीज़ां गरीबां दलतां वास्ते बनियां ने, जिहड़े आम लोकां वास्ते लोकां नूं वरतन वास्ते जिहड़ी इह कम्युनिटी सेंटर बनिया, एक छोटा जिहा हाल है जी। मेरे हिसाब दे नाल इह 40 बाई मेरे गल 30 दा ही होगा हाल। इत्थे थाना बनाउण नूं धक्के नाल गरीबां दी जगह ते लोकां दी जगह ते जिहड़े लोक सांझे तौर ते वरतदे ने, इह तुहानूं मैं दस देना चाहुंदा कि इह जिस जगह ते बनी है इह सारी जगह जिहड़ी सीगी हाकम के गवाड़ दे लोकां दी सीगी। उहनां ने अज तों 20 साल पहलां यह लिख के देता सीगा कि इस जगह दे विच सांझी जिहड़ी जिहड़ी जगह बनाई जाए इहनूं सोहणा बनाया जाए। इह ते मौके मौके ते जदों कोई बनता रहे राजनीति हुंदी रही, सारे लोगों के आशीर्वाद सदका, सारे लोगों के सहयोग सदका जदों मैं कौंसलर बनया सारिआं ने मेरे ते इह आस लाई कि जी तुसीं इत्थे वधिया स्टेडियम, वधिया स्कूल, वधिया कम्युनिटी सेंटर बना के दिओ। देखो जी मैनूं तां कल शाम नूं मैनूं पता लग्गिआ हैगा कि इत्थे मुलाजम आए सीगे, उह कहिंदे कि जी असीं इत्थे थाणा बनाउणा है। पर मैनू ये बड़ी हैरानी वाली गल है कि ये जो खाली पिया सी इत्थे जो गंद वाली जगह पर कोई भी जाके जे अज इत्थे गरीब लोगों के साडे सांझे लोगों वास्ते जिन्हों न्यू गीता कलोनी, हाकम अगवाड़, बग्याना बस्ती, बाजीगर बस्ती, बेरिया वाला महला, राजीव गांधी नगर और मैं कहां रेगर बस्ती जिहड़े दूर दूर लगे लोग इत्थे फ्री तौर पर ब्याह करते ने, फंक्शन करते ने, सांझे फंक्शन जिहड़े हुंदे ने उह लोग इस सांझी जगह नूं वरतदे ने, उह भी सरकार सातों खो रही है। इह जी सानूं नहीं पता कल इत्थे जिहड़े मुलाजम आए सीगे उह कहिंदे सानूं डीसी साहब ने टैंपरेरी दित्ता है, टैंपरेरी क्या कि इत्थे शिफ्ट कर लो। मैं ये दसना चाहुंदा है कि जिथे थाना है वह उत्थे टैंपरेरी वरती जाण, असीं किला जगह दित्ती है उत्थे बना लैण बिल्डिंग। नगर निगम दे विच कोई मता पास नहीं होया, नगर निगम दे ने कोई भी इन्हां नूं अधिकार नहीं दित्ता गा और ये धक्केशाही दे नाल मैनूं ऐ लगदा कि डीजी साहब नूं ये मौके ही सरकार गुमराह करके ये जिहड़ी टैंपरेरी तौर पर बनाउण नूं फिरदी आ। असीं सारे ही महल्ले, बग्याना बस्ती होवे, बाजीगर बस्ती होवे, हाकम के गवाड़ होवे, न्यू गीता कलोनी होवे, राजीव गांधी नगर होवे, असीं सारे लोग इस मसले ते इकट्ठे हैं और असीं इत्थे इस सांझी जगह नूं कदे थाणा नहीं बनदा, असीं थाणा नहीं बन देणा इत्थे, क्योंकि लोगों की यह सोच है, लोगों के दिलों में यह ठेस है। ये सरकार ने लोगों को सांझियां जगह बना के देनी है कि जेहड़े सांझियां जगह वो जाड़न वास्ते हैगा। लैटर इशू होया डीसी साहब वालों, सानू कोई नहीं लैटर, ना तो कारपोरेशन नू कोई लैटर इशू होया हैगा जी, ना साडे कोले कोई इशू होया हैगा। कल इत्थे कहिंदे है कि SHO साहब ते दूजे कोई आए सीगे, वो कहिंदे सीगे कि जी असीं देखना, असीं इत्थे थाणा शायद शिफ्ट करना, इत्थे शिफ्ट करना सी।
सानू आर्डर है डीसी साहब ने क्या हुण ये नहीं पता है जिन्ना चर साडी कारपोरेशन की जगह कारपोरेशन के पैसे लगे है कारपोरेशन ने सांझे लोगों वास्ते बनाए है और वो किवें लै लैणगे इहदा मतलब कि जिहड़ियां दूजियां धर्मशाला हैगियां उत्थे कहणगे कि असीं दफ्तर खोलदे हां सरकारी लोगों के सांझे कामां वास्ते इहो जिहियां धर्मशाला इहो जिहियां चीज़ां बनदियां ने अज तक कोई डिवेलपमेंट तो कराई नहीं गी जिहड़ी डिवेलपमेंट कराई उह भी लोगों तक खोई जांदे आ इस करके असीं कदे भी कतई नहीं ये कदे भी होंगे ने भावें सानू इतने साड़िया अर्थियां बैठ जाए सानू इतने जो मर्जी करना पवे असीं कदे भी थाना नहीं बन देंगे धक्केशाही नहीं हो देंगे थाना नहीं बन देंगे प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मर भी जाना ते धरना भी ला देना इथे लग्या धरना लग गया इथे ही बैठे रह जाना ठाणा बनाना इथे साडे जो भी मतलब सारे भैण भरावां दा जो भी सांझा बोल आ ਉਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਪਊਗੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਡੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਥਾਣਾ ਜੇ ਬਣਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਬਸਤੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬਸਤੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਸਾਊਥ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਨਸੇਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ 30 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਡਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਔਡਰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਇਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ
तो इस करके हो किया गया हैगा, ये किसी किस्म की कोई मंदभावना नहीं हैगी और किसी किस्म किसी टारगेट नहीं किया गया है। ये जड़ा हैगा एक्ट के तहत कानून के तहत जी कार्रवाई की गई। 30 दिन बिल्कुल पूरे हो चुके, पूरे पूरे 30 दिन हो चुके नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन मुताबिक बिल्कुल वरतों च नहीं सी आ रही। नहीं बन रहा।